देवजानी और मैं शादी करने वाले। उसने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है। असीम एक अच्छा आदमी नहीं, वो एक बुरा आदमी है। अगर वो तुमसे शादी कर रहा है ना, उसके पीछे उसका कोई मकसद है। नो, असीम से शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन है। एक तिथि है लेकिन इतनी पास है कि उसको बताना हम उचित नहीं समझ रहे थे। नहीं नहीं शास्त्री जी, बताइए तो सही। 7 दिन के बाद की तिथि है। अरे भाई, लड़की और लड़के को तो पूछो, इतनी जल्दी सगाई करने के लिए वो लोग तैयार हैं भी या नहीं। उनके भी तो कुछ अरमान होंगे तैयारियों के लिए। अंकल, मुझे तो कोई एतराज नहीं। बेटा, अरे आप लीजिए ना और समोसे खाइए। चाचू, हमारा कार्टून आ रहा है, हमारा चैनल चेंज मत करो। चॉकलेट दूंगा, ये देखने दो। दो चॉकलेट चाहिए। बाप पे गया है तो चल, दो दूंगा। बिल्डर्स में हरकिशन चड्डा का बहुत नाम है, लोग उनकी ईमानदारी की कसमें खाते। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेस वालों का कि वो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मैं आज यहाँ सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस देश का एक सच्चा और अच्छा नागरिक हूँ। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जगजीत मेहरा की मौत का जिम्मेदार मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। उन्होंने अपने बंगले के लिए मुझसे ज्यादा कीमत मांगी थी और मैं वो भी देने के लिए तैयार हो गया। अब उन्होंने खुदकुशी क्यों की, उसकी 10 बजे हो सकती है, पर मैं उनमें से एक भी नहीं हूं। बल्कि मैंने तो अब यह तय किया है कि मैं जगजीत मेहरा की बेवा को उस बंगले के और भी दाम दूंगा ताकि वो अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सके। अरे बच्चों, कुछ भी टीवी क्यों देख रहे हो तुम लोग, चलो खेलो उधर। दो मुझे। जाओ बेटा। पापा जी, अरे भाई घटिया आदमी है, करता रहता है घटिया हरकतें वो। आप ऐसे टेंशन मत लीजिए, अब चलिए। मम्मी जी बैठिए, आप पापा जी आइए आइए आइए। कमी ना कहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली उसने अपनी सफाई दुनिया को देने के लिए। पर ये क्या टप्पू बेटा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारे चैनल पर ही दिखाई थी, उस चैनल पर जिसने उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश किया था। जिस चैनल का एडिटर इन चीफ डिलन जैसा घटिया आदमी हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंकल? ये जरूर डिलन और चड्डा का गेम है। देवजानी के लिए हुए इंटरव्यूज के खिलाफ, कितनी मेहनत से देवजानी ने ये इंटरव्यूज लिए थे और क्या कुछ नहीं किया था मैंने ये न्यूज ऑन एयर लाने के लिए। इस जलील डिलन की वजह से सब किए कराए पे पानी फिर गया। पर बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? आंटी, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी तो उसी चैनल का हिस्सा हूँ। डिलन की ऐसी हरकत ने चड्डा के हौसले और बुलंद कर दिए। अरे मट्टी डाल पुत्र, हम यहाँ अच्छे काम के लिए आए हैं, तो ये सब बातें क्यों लेकर बैठे हो? हाँ बेटा, तुम तो ये बताओ कि 7 दिन बाद का मुहूर्त तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है?
पापा जी मेरे लिए तो ठीक है। और बेटा आपके लिए? ये न्यूज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन चैनल के लिए दिस न्यूज़ इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। लेकिन मैं ये न्यूज़ एयर करके चड्डा जैसे बिल्डर से पंगा नहीं ले सकता। मैं तैयार हूँ। अगले हफ्ते की तारीख ठीक है? कानूनी नहीं है। मैं एक बिल्डर हूं जो उस जगह पर टाउनशिप बनाकर इस शहर के हाउसिंग प्रॉब्लम सुधारना चाहता हूं। इसमें मेरी गलती कहां है आप लोग मुझको बताइए। हद होती है जिसकी, हद होती है, मजाक बना रखा है चैनल को। कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, ये लोग कभी चैनल को आगे बढ़ने नहीं देंगे। बड़ी करप्ट पीपल। बड़ी रकम खिलाई होगी चड्डा ने मीर चंदानी को, आई एम श्योर। और मीर चंदानी ने क्या किया? चड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने चैनल पे दिखा दी कि वो कितना शरीफ आदमी है। शरीफ माय फुट। देवजानी ने कितनी मेहनत की थी, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी इन सब। अगर इन लोगों से लड़ना है तो गुस्से से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। Use your bloody brains. Calm down. Calm down. खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा खामोशी। देवजानी और मैं शादी करने वाले। असीम से शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन है। एंड प्लीज, असीम मेरा होने वाला पति है और उसके बारे में मैं ये बकवास नहीं सुनूंगी। कितने दिनों बाद हम मिल्के एंड कुकीज पार्टी कर रहे हैं ना? पूरे 4 महीने 2 दिन के बाद। काश पिन्नी दी भी होती हमारे साथ। अरे वो डब्बू की जठानी बन के आई थी, ऑब्वियसली सास ससुर के साथ जाएगी ना। आपने एक बात नोटिस की, कहां डब्बू दी शादी करने से मना कर रही थी और कहां 7 दिन के अंदर सगाई करने को राजी हो गई है। अरे असीम का जादू लेट चला लेकिन तगड़ा चला। ये तो अभी बोलेगी कि सगाई वाले दिन ही शादी करा दो। डब्बू खुश है शादी से? हाँ क्यों? देख डब्बू, तू तो जानती है मैं कैसी हूँ। मेरे मन में जो भी होता है मैं सामने वाले को बोल देती हूँ, फिर उसे बुरा लगे या अच्छा मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे मुझे तो हैरानी हो रही है कि तूने हाँ भी कैसे कर दी शादी के लिए। मतलब मुझे ये तो लगता था कि तेरे मन में भी कुछ कुछ होता है, पर असीम के लिए नहीं,
तेरे बॉस डिलन के लिए। उस दिन भी मैंने तुझे और डिलन को क्लब में एक साथ डांस करते हुए देखा तो मुझे लगा क्या सॉलिड केमिस्ट्री है तुम दोनों के बीच, पर ऐसी केमिस्ट्री मैंने कभी तेरे और असीम के बीच में नहीं देखी। चंडी, Have you gone mad? क्या बोल रही है? इन सब के बीच में बॉस कहाँ से बीच में आ गया? अरे दीप, पर आप इन दोनों को चंडी प्लीज। ये केमिस्ट्री, स्पार्क, रोमांस, लव की बातें ना सिर्फ फिल्मों में और किताबों में अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। दी, ये आप जैसी डायहार्ड रोमांटिक बोल रही है? हाँ ईशु, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ सपनों और ख्यालों में जी रही थी। असल दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। और चंडी प्लीज, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ओके, डिलन सर और मेरे बीच में ना तो कभी कुछ था ना ही कभी कुछ हो सकता है, बिकॉज वो एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और खुदगर्ज इंसान है। एज अ फैक्ट, हम सब ने उनका नाम बिल्कुल ठीक रखा था, डिलन द विलेन और असीम हीरो है। राइट राइट, और तुम सब भी उसको पसंद करते हो, राइट? और तू प्यार करती है उससे? प्यार का क्या है चंडी, प्यार तो हो जाता है। फिलहाल मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं खुश हूँ और हम सब खुश हैं। चलिए शुभ, गद्दे लगाते हैं, हम भी कहें चंडी की बातों में आगे। Cheers. अरे मेरे भाई, मुझे तो लगा था कि हमसे चींटी भी नहीं मरेगी, पर यार तो हमने हाथी को मार दिया। अरे डब्बू, अगले हफ्ते ही सगाई के लिए राजी हो गई। चेयर्स। भैया, ये जो जीत का मजा होता है ना, कुछ अलग ही होता है, और मेरे लिए ये मजा दुगना हो गया। वो कैसे मेरे भाई, जब से मेरा और देवजानी का रिश्ता पक्का हुआ है ना, उस टिल्लन बेचारे को बहुत सदमा लगा है भैया, हार्ट ब्रोकन। और ऐसा सदमा लगा है, साले की शक्ल देखने लायक हो गई। उसकी वो सड़ी हुई शक्ल देख के ना दिल को ऐसी ठंडक मिलती है, ऐसी ठंडक जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली उतार दी हो कलेजे। बहुत उछलता था साला, लेकिन मैंने भी ऐसी जगह लाके पटका है ना साले को, ये ऐसा लगता है जैसे पुराने सारे हिसाब चुकता हो गए उस साले के साथ। मतलब एक तीर से दो निशाने। मेरे भाई, तू सिंगल कमीना नहीं, डबल कमीना है। अच्छा सुन, कल चड्डा के यहाँ चलना है। चड्डा के यहाँ क्यों? अब एक बात बता, तेरी शादी का सबसे ज्यादा फायदा किसको है? चड्डा को। भाई फिर खर्चों के लिए उसी की जेब ढीली होनी चाहिए। भैया अगर मैं दुगना हूँ ना तो आप चौगने हैं। क्या कमीने? सुनो, ये इतने सारे लोग क्यों? सर, वो देवजानी मैडम और असीम सर की सगाई पक्की हो गई है, उसी खुशी में वो मिठाई बांट रही हैं। इश्क की फकीरी,
जब लग जाए ये मन करता है ठगी ठोरिया डेलन सर ये मन करता है सीना सोरिया ये मन ही करे दिल चोरिया ये मन की है कमजोरियां सर आशीता आज 9 PM के लाइव स्लॉट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी ठीक है डिटेल्स लेकर आओ फिर बात करते हैं ओके सर मैं लेके आती हूं देवजानी कहाँ जा रही अरे अपने बॉस को भी तो लड्डू दो नहीं सीम उनको मिठाई देने का क्या मतलब इट्स ओके अरे कैसी बातें कर रही हो तुम देखो पर्सनल इश्यूज जो भी होते हैं वो ऑफिस से बाहर रखने चाहिए राइट तुम खुद जाके उसे ये मिठाई दे दो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रखना मतलब रखना पड़ेगा देवजानी अरे तुम्हारा बॉस है अब देखो मेरी उससे नहीं बनती है इट्स ओके लेकिन तुम तो उसके अंडर काम करती हो तो जाओ उसे ये मिठाई दे दो असीम देवजानी कम ऑन जाओ मिठाई देकर गुड मैन जख्म तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूं डिलन अब उस पर थोड़ा नमक भी लगा दूं और देवजानी तुम जब उसके कैबिन से उदास बाहर आओगी ना तो मेरी बाहें होंगी तुम्हें दिलासा देने के लिए सर ये वो इंडियन वाटर स्पोर्ट्स की सेफ्टी रिपोर्ट है जो आपने मांगी थी ये क्या है मिस देवजानी मेरी सगाई की तारीख पक्की हो गई है उसी की मिठाई है थैंक यू वेरी मच मुझे मिठाई नहीं चाहिए तो फिर किसी और को दे दीजिए या कचरे के डब्बे में डाल दीजिए जैसे तुम डाल रही हो अपनी पूरी जिंदगी कचरे के डब्बे में राइट एक्सक्यूज मी व्हाट किस बात की मिठाई तुम्हारी बर्बादी की अपनी सबसे बड़ी गलती का जश्न मनाने जा रहे और तुम चाहती हो मैं उस जश्न में शामिल हो जाऊं राइट देवजानी एक्सक्यूज मी पर आप कौन होते हैं मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने वाले लिसन देवजानी नो मैं आपकी बात क्यों सुनूं आपने मेरे साथ क्लियर कर लिया है ना कि आपको मेरी जैसी न्यूज सेलिंग नहीं करनी है आप सच का साथ नहीं देंगे आपको मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना है तो फिर आप मेरी शादी पे कमेंट क्यों कर रहे हैं अचानक से आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है लिसन देवजान असीम एक अच्छा लड़का नहीं मेरी बात का यकीन करो यकीन आपने जो मेरे साथ किया है ना उसके बाद में पूरी जिंदगी आप पे कभी यकीन नहीं कर सकती हूँ हम कोई गलत टाइम पे आ गया नहीं बाहर मौसम कितना अच्छा है सन हम सोच रहे थे कि अरे ये मिठाई का डब्बा किसके लिए एक्चुअली देवजानी की सगाई हो रही है उसी की मिठाई Congratulations, बेटा. Thank you, aunt. Excuse me. ये मन की है कमजोरियां. ये देवजानी का engagement अचानक? I don't know, mom. Don't even ask me. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मेरी ये बात समझ में आ रहा है कि जो लड़के से सगाई हो रही है वो उसके बहन का ब्रदर इन लॉ है मगर वो लड़का असीम है मॉम गॉड से
That guy is the worst thing to happen to anybody. ये दिव्यानी की सगाई का न्यूज़ सुनके अचानक हम भी शॉक्ड हैं। लेकिन तुम इतना अपसेट क्यों हैं? मैं अपसेट? नहीं मॉम, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। I'm all right. सन, हम तुम्हारा मॉम हैं। हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अपसेट हैं। पता है तुमको? तुम जब हमको फोन पर हेलो बोलता है ना, हम तभी समझ जाते हैं तुम्हारा आवाज सुन के तुम गुस्सा में है, खुश है या सैड है। मॉम से कोई बात छुपता नहीं बेटा। तुम कुछ फील करता है ना, तो उससे पहले तुम्हारा चेहरा देख के हम बता सकते हैं तुम कौन सा मूड में है। इसलिए हम जो तुमसे पूछ रहे हैं, साफ साफ सच जवाब देना। सन, तुम इसलिए अपसेट है कि वो असीम से शादी कर रहा है, या तुम इसलिए अपसेट है कि वो किसी और से शादी कर रहा है? तुम किसी और से क्या मतलब है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं सन कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको देवजानी से लव हो गया है?